कल संडे है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा एनसीईआरटी हमारी जो पढ़ाई वाली है थोड़ा सा हटके कुछ करते हैं। तो मैंने क्या सोचा, जो आपके लिए मैंने ना कुछ पजल्स तैयार किए ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचे और उसको आप यूज टू करो। मतलब आपका दिमाग का जो पार्ट सो चुका है ना, जिसको आप एक भेड़ की चाल से आप समझते हो, जिसको यूज करते हो हर एक क्वेश्चन करने में, उससे थोड़ा हट कर करो और वो जो आपका दिमाग सो गया है कहीं खो गया है उसको वापस आप ढूंढ के लाओ। तो उसको ढूंढ के लाने के लिए मैंने क्या करा है, आपके लिए कुछ पजल्स है, मैथ स्टिक्स वाला पजल्स। तो उसमें क्या करना है, आपका जो फॉस्फोरस वाला पार्ट होता है ना मैथ स्टिक का, उसे हटा देना है बस, बाकी सब कुछ वैसे ही। तो कुछ दस दस ज्यादा नहीं, दस दस तक क्वेश्चन है आपके मैथ स्टिक्स के, सारे ना सारे मैथ स्टिक्स के। तो आपको क्या करना है, लेकिन एक चीज चीटिंग नहीं करनी, मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर लिख दूंगा, आप मुझे वो क्वेश्चंस एंड तक देखना वीडियो, वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे किसी ना किसी तरीके से अच्छे से दिमाग को यूज करके। सबके लिए जरूरी नहीं कि कोई बच्चा 10th में 9th में 11th में, दिमाग जहां दिमाग की बात होती है सबके पास होता है, सब यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको यूज करना है इसको, और इसके आंसर्स को मुझे व्हाट्सएप पे या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो उसके सोल्यूशन को भी हम बताएंगे, समझाए। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम फटाफट क्या करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है आपके सारे के सारे मैथ्स के पजल्स पे, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या करना है, आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ ताकि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते, ठीक है। अब पहला सवाल ध्यान रखना, आपको मैथ्स के का जो फॉस्फोरस वाला पार्ट है उसे हटा देना है और एक मैथ्स के को ऐसे कंसिडर करना है। पहला क्वेश्चन है, मूव वन मैथ्स के, मूव वन मैच से एंड मेक अ स्क्वायर, मेक अ स्क्वायर। अब बच्चों पता है आपका फिगर कैसे होगा, मैं आपको मैच स्टिक दे रहा हूं, कुछ फिगर ऐसे होगा, थोड़ा से ब्रॉड कर देना, एक दो तीन और एक चार, ठीक है। ये चार मैच स्टिक्स हैं, मैच सिक्स को आपको क्या करना है, मूव वन मैच से, एक मैच सिक्स को आपको मूव करना है और क्या करना है, मेक अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ध्यान रखना, दिमाग को यूज करना पड़ेगा तो तभी कुछ होगा। दूसरा क्वेश्चन है, यूज इलेवन मैच सिक्स, इलेवन मैच सिक्स, आपको ग्यारह मैच सिक्स को यूज करना है, ठीक है। यूज इलेवन मैच सिक्स टू मेक अ नाइन, तो आपके पास 11 मैचेस होंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, कुछ इस तरीके से आपके पास 11 मैचेस होंगे। इन 11 मैचेस को यूज करके आपको 9 बनाना है, कैसे बनाना है, अपना दिमाग यूज करो, ठीक है, फटाफट। दूसरा है आपका, टेक ओनली टू मैचेस, टेक ओनली टू मैचेस, ठीक है, अवे टू लीव, टू लीव बिहाइंड, टू लीव बिहाइंड टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। अब फिगर कैसे बताते हैं, क्या करना, जो फिगर होगा उसमें से आपको टू मैचेस को हटाना है, ऐसे हटाना है कि ताकि आपके दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बने, और फिगर कुछ ऐसा होगा बच्चों, एक मैच सिक्स, दो मैच सिक्स, तीन मैच सिक्स, ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ दो मैच सिक्स हटाने हैं, ध्यान रखना, और आपको दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर चार, ठीक है, अब एक और फिर से आपको दो मैच सिक्स हटाने हैं, इसमें से भी टेक अवे, ठीक है, टू मैचेस, टेक अवे टू मैचेस टू लीव टू स्क्वायर्स। भैया आपको दो मैचेस हटाने हैं, जो मैं फिगर बनाऊंगा ऐसे हटाने हैं ताकि आपके पास दो स्क्वायर बचे, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, ठीक है, ये वो मैचेस हैं, ठीक है। इन मैचेस में सिर्फ आपको दो मैचेस हटाने हैं ताकि आपके पास दो स्क्वायर फटाफट आपके पास आ जाए, दिमाग लगाइए और यूज करो, ठीक है। अगला, अब चलो, अगर ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो तो एक आसान दे देता हूं,
अब देखो आसान कैसे, टेक अवे सिक्स मैचेस टू लीव 10। आपको 6 मैचेस हटाने हैं फिगर में से जो बना रहा हूं, ताकि आपको क्या मिले, 10 मिले। ठीक है, अब वो कैसे है मैचेस वो भी देख लो आप। 1 2 3 4 5 ठीक है, 1 2 3 4 5 इनके सब पे वो जो शेष है वो सभी एक है, ये एक ही मैच है। ध्यान रखो, फिर आएगा आपका 1 2 3 4 5, इसमें से आपको 6 मैचेस हटाने हैं ताकि आपको 10 मिले। ठीक है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप कुछ करना नहीं है, बस दिमाग लगाना है, टेप आउट आपको ऐसे नहीं करना। ठीक है, नोट डाउन, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, फटाफट मैं मिटा रहा हूं ताकि आगे की 5 और लिख सकूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों ध्यान से। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको क्या करना है, मूव ओनली वन मैच स्टिक, एक मैच स्टिक को मूव करना है ताकि आपके पास 4 ट्राइंगल मिल जाए। देखो, मूव वन मैच स्टिक, ठीक है, मूव ओनली वन मैच स्टिक टू मेक 4 ट्राइंगल्स। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ट्राइंगल लिख देता हूं, टू मेक 4 ट्राइंगल्स। ठीक है, आपको सिर्फ एक मैचस्टिक हटाना है ताकि आपको 4 ट्राइंगल मिल जाए। तो देखते हैं वो कैसे है आपका फिगर। फिगर कुछ ऐसा, 1 2 3 1 2 3 ये है भैया, इसमें से सिर्फ एक मैचस्टिक हटाना है आपको ताकि आपको 4 ट्राइंगल मिल जाए। सोच लो कैसे करना है, ठीक है, दिमाग लगाना है बस आपका, आपका ब्रेन का जो हिस्सा सो चुका है ना उसको उठाओ, पानी से, इलेक्ट्रिक शॉक से, किसी से भी यूज करो अपने दिमाग को। अब एक और क्वेश्चन, मूव वन मैच स्टिक, ठीक है, एक मैच स्टिक यूज करना है आपको, हटाना है, टू मेक द हाउस फेस ऑपोजिट डायरेक्शन फेस होना चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ एक मैच स्टिक हटाना है, जो फिगर बना रहा हूं उसमें ऐसे हटाना है ताकि वो अपना ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करे। फेस घर का ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 एक ऐसे। ठीक है, मैचेस के साइजेस जो हैं सारे सेम है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक मैचस्टिक को मूव करना है कुछ ऐसे ताकि ये घर अपना ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करे। दिमाग, ब्रेन टीजर इसी को कहते हैं बच्चों, जो ब्रेन को परेशान करे, और ब्रेन को जो परेशान कर दे तो इसका मतलब आप ब्रेन यूज नहीं करते, ब्रेन को यूज करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता था, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर एट ये कहता है, अब आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, चेंज पोजीशन ऑफ ओनली वन मैच, ठीक है, एंड करेक्ट द फॉलोइंग इक्वेशन ताकि भैया आपका फॉलोइंग जो इक्वेशन मैं लिखने वाला हूं वो करेक्ट हो जाए। तो कैसे करना है ध्यान से देखना, सिर्फ एक मैच स्टिक को मूव करना है, मैच स्टिक 1 2 3 4 5 ठीक है, प्लस में है तो इसमें 4 मैच स्टिक यूज होंगे ऐसे, प्लस फिर 1 2 3 4 5 फिर प्लस, फिर एक और मैच इक्वल्स टू, ठीक है, क्या प्रूफ करना है आपको, ये इसमें से सिर्फ इस वाले में से सिर्फ एक मैच स्टिक को मूव कर रहा है, कोई भी एक मैच स्टिक को मूव कर रहा है ताकि आपका ये आ जाए। ठीक है, दिमाग को यूज करो, इस्तेमाल करो, जो आप इतने टाइम से नहीं कर रहे थे इस्तेमाल करके सॉल्व करो। ठीक है, अब दो क्वेश्चन और रहे हैं, छोटे छोटे से, फटाफट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9
ठीक है, टेक अवे थ्री मैचेस, टेक अवे थ्री मैचेस टू लीव, टू लीव ओनली थ्री स्क्वायर्स, थ्री स्क्वायर्स, ठीक है, तीन मैचेस को हटाने ताकि आपको तीन स्क्वायर मिल जाए। तो देखो कैसे फिगर है, इसमें से तीन मैचेस को हटाना है ताकि आपको तीन स्क्वायर मिले, ध्यान रखना तीन स्क्वायर्स, ठीक है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे बच्चों फटाफट मैं ये भी डाल रहा हूं ताकि आप नोट डाउन कर लिया हो, वीडियो पॉज करके फटाफट इसे लिखना और बोलना नहीं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसका सोल्यूशन बताना या कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कोई भी हो बस करना जरूर। लास्ट क्वेश्चन पे है हम, अब जितने भी मैं इक्वेशन दूंगा वो सारे के सारे इक्वेशन इनकरेक्ट होंगे, आपको एक मैचस्टिक को मूव करना है, सिर्फ एक मैचस्टिक को कैसे भी करके ताकि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो, ठीक है, ध्यान रखना जितने भी इक्वेशन होंगे इनकरेक्ट होंगे, ध्यान रखना आप जितने भी इक्वेशन बोलूंगा वो इक्वेशन इनकरेक्ट होंगे, लेकिन इसमें एक चीज आपको नोट करनी है कि ये जो ये वाला सिंबल होगा एंड ये वाला, दे आर मेड ऑफ टू मैचस्टिक्स, इससे बने हैं मेड ऑफ टू मैचस्टिक्स, ये ध्यान रखना मैचस्टिक्स, ठीक है भाई, ये और ये दो मैचस्टिक्स से बने हैं और जितने भी इक्वेशन बोलूंगा वो सारे के सारे इनकरेक्ट है, अपना दिमाग लगाना है, एक मैचस्टिक को मूव करना है ध्यान रखना और उसे रेक्टिफाई करना है, सिंगल मैचस्टिक्स को ध्यान रखना, सिंगल मैचस्टिक को मूव करना है कुछ भी करके ताकि आप इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सको। तो इक्वेशन है कुछ ऐसा, पहला ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट है, आपको ए मैट्रिक्स को यूज करना है किसी तरीके से मूव करना है ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ध्यान रखना। दूसरा है आपका ध्यान रखना ये और ये दो मैट्रिक्स से बने हैं, वहां पे नोट लिखा हुआ। तीसरा पार्ट ये लास्ट, ठीक है लास्ट, ये देखना मुझे, देखिए एक ये है और ये एक से ही बना, मुझे ध्यान रखना ये एक से, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ध्यान रखना ये 10 क्वेश्चंस हैं, ब्रेन को जहां पे सोया हुआ फटाफट निकालो, कबाड़ी अगर चुप गया कबाड़ चुप गया फटाफट बुला उसको, भाई अपने पास रखो उस दिमाग पर, इन 10 क्वेश्चन को यूज करना है आपको, अपने ब्रेन को खेल लो, अपने दिमाग के साथ खेलो और इसका आंसर फटाफट बताओ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में इसका सोल्यूशन बता सकते हो, और हाँ उसको कसम लगे जो गूगल से आंसर चेक करे, ध्यान देना गूगल से नहीं करना, अपने दिमाग को यूज करना, ठीक है बच्चों, जरूर बताना और हिट लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ध्यान रखना अपना, बाय।